हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का विश्वास फार्म में। और हम बैंगन की खेती देख रहे थे और हम बैंगन के पौधे में 3G कटिंग कर रहे हैं। आज से 15 दिन पहले मैंने इन पौधे के फर्स्ट जनरेशन को निकाल दिया था और आज हमको यहाँ पौधों से सेकेंड जनरेशन को निकालना है। उसके बाद थर्ड जनरेशन के जो आपके पौधे निकलेंगे उसमें से जो तने निकलेंगे उसी से आपके बैंगन के फल निकलेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे इस पौधे को, पिछली बार भी इस पौधे को हमने इस खेत के सारे पौधे से फर्स्ट जनरेशन निकाल दिया है। फर्स्ट जनरेशन के तने को काट दिया है। यहाँ मैं आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट जनरेशन का तना काट दिया गया है। अब ये सेकंड जनरेशन जो निकली है ये भी अभी 4 से 5 पत्ते हो गए हैं। तो हमको, क्योंकि इसका भी फूल आना स्टार्ट हो गया, तो हमें इस जनरेशन को भी निकालना है। फर्स्ट जनरेशन के बाद जो सेकंड जनरेशन का पौधा होता है वो भी नर पौधा होता है, नर तना होता है, इसलिए हमको सेकंड जनरेशन का भी निकालना है। उसके बाद जो तने निकलेंगे वे मादा तने होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, हमने इसमें का फर्स्ट जनरेशन निकाल दिया था। अब सेकंड जनरेशन के जो तने निकल रहे हैं इसको भी हमको निकालना है। उसके बाद थर्ड जनरेशन के पौधे से हमको बैगन की अच्छी किस्म निकलेगी, तो हम इसका सेकंड जनरेशन का तने का पौधा ऊपर से निकाल देते हैं ब्लेड की सहायता से। ठीक है, ये देखिए, हम इस तरह से इसका ऊपर का तना निकाल देंगे। ताकि हमको थर्ड जनरेशन के पौधे मिल सके। ये काम है मैं सारे पौधों में करूँगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब इस पौधों में जब बैगन लगेगी तब मैं इसको वीडियो बना के मैं आप लोगों को और अच्छे से उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।